जानिए कौन है प्रीतम मुंडे, पहलवानों के मुद्दे पर क्या कहा, अपनी ही पार्टी पर दिया बयान। पहलवानों का धरना पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। उनके आरोपों ने पूरे देश की जनता को हैरान कर दिया है। कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाते हुए महिला पहलवानों का धरना पिछले एक महीने से ज्यादा के वक्त से चल रहा है। ऐसे में अब पहलवानों के समर्थन में बीजेपी महिला सांसद प्रीतम मुंडे भी आ चुकी हैं। उन्होंने सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की बात कही है, क्योंकि देखा जा रहा था कि अभी तक कोई भी बीजेपी के नेता पहलवानों के मामले में बोलने से कतरा रहे थे, और ऐसे में प्रीतम मुंडे ने खुलकर अपनी बात रखी। आइए आपको बताते हैं कि कौन है प्रीतम मुंडे जिन्होंने अपनी ही पार्टी को घेरा है। भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पहलवान एक महीने से ज्यादा समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियां जहां पहलवानों का खुलकर समर्थन कर रही हैं, तो वहीं अब कुछ बीजेपी नेता भी पार्टी रुख से अलग आकर अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं, जिसमें नाम आता है महाराष्ट्र से बीजेपी सांसद प्रीतम मुंडे का। महाराष्ट्र के बीड लोकसभा सीट से सांसद प्रीतम मुंडे बीजेपी के दिवंगत दिग्गज नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी और बीजेपी सांसद पंकजा मुंडे की बहन हैं। प्रीतम मुंडे पेशे से डॉक्टर हैं। प्रीतम महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। बात साल 2014 की है, जब पिता गोपीनाथ मुंडे की सड़क हादसे में जान चली गई थी। उसके बाद बीड लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए। इस सीट पर उनकी बेटी प्रीतम मुंडे ने चुनाव लड़ा। उस दौरान उनको 9 लाख से ज्यादा वोट मिले। उन्होंने एनसीपी के सुरेश रामचंद्र को 6,96,321 वोटों से हराया था, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अब पहलवानों के मुद्दे को लेकर प्रीतम मुंडे ने कहा कि जब कोई महिला इतनी गंभीर शिकायत करती है, तो इसे बिना किसी संदेह के सच माना जाना चाहिए, इसमें कोई भी शक नहीं करना चाहिए। प्रीतम मुंडे ने पहलवानों की बात सुनने को लेकर कहा कि भले ही मैं सरकार का हिस्सा हूं, लेकिन हमें ये स्वीकार करना होगा कि जिस तरह से हमें पहलवानों के साथ बात करनी चाहिए थी, वैसा नहीं हुआ। मेरा मानना है कि अगर इस स्तर के आंदोलन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो वहीं उनकी बड़ी बहन पंकजा मुंडे ने कह दिया कि वह भाजपा की है, लेकिन पार्टी उनकी नहीं है। जाहिर है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पहलवान एक महीने से ज्यादा वक्त से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले ने तूल तब पकड़ा जब 28 तारीख को नई संसद के सामने उन्होंने महिला पंचायत का ऐलान किया, और उसके बाद जो हुआ वो सारे देश ने देखा कि महिला पहलवानों के साथ किस तरह से सलूक किया गया। उसे देखकर हर किसी के मन में सिर्फ यही सवाल खड़ा हुआ कि आखिर इन पहलवानों की बात सरकार क्यों नहीं सुन रही। विपक्षी पार्टियां जहां पहलवानों का खुलकर समर्थन कर रही हैं, ऐसे में बीजेपी नेता अपनी पार्टी के खिलाफ कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। इक्का दुक्का नेता हैं जो अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं, उसमें प्रीतम मुंडे भी शामिल हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि आखिर इस मामले में आगे और क्या अपडेट सामने आती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।